बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। अब खेलों की दुनिया की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के लिए ये साल जो है ये यकीनन एक स्पोर्ट्स का साल है और हर तरह की गेम्स जो हैं और पाकिस्तानी स्पेशली अगर बात की जाए पाकिस्तानी एथलीट्स की तो हर जगह पे एक्टिविटी करते नजर आएंगे। अगर बात कर ली जाए विमेंस क्रिकेट की तो श्रीलंका ने श्रीलंकन विमेंस का जो दौरा शेड्यूल है, पाकिस्तान का जो दौरा था वो पहले शेड्यूल था, उसकी तारीखों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। जो श्रीलंका की विमेंस टीम है वो रवा साल जो है 19 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी और उसके बाद 3 दिन का प्रैक्टिस सेशन होगा और प्रैक्टिस सेशन के बाद जो है वो T20 सीरीज का आगाज होगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो श्रीलंका की विमेंस टीम है वो T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। और अगर वनडे सीरीज की बात कर ली जाए तो वनडे सीरीज 4 जून से खेली जाएगी और अगर जून के महीने की बात कर ली जाए तो जून के ही महीने में ये सीरीज खत्म होगी। 8 तारीख को 3 वनडे मैचेस हैं, उसके बाद 8 से ही जो है वो वेस्टइंडीज की टीम जो उनका दौरा पोस्टपोन हुआ था कोविड की वजह से वो भी पाकिस्तान पहुंचेगी और 3 वनडे 8, 10 और 12 जून को जो मेंस टीम है वेस्टइंडीज की वो भी खेलेगी। लेकिन अब यहां पे एक सवाल जो उठ रहा है वो है पाकिस्तान वेमेंस टीम की तैयारी का। अगर पीछे देख लिया जाए पाकिस्तान के, अगर पीछे नजर दौड़ाई जाए करियर पे थोड़ी सी पाकिस्तान वेमेंस टीम के अभी रिसेंट में, अब अगर 6-7-8 महीने की बात कर ली जाए या एक साल की, तो पाकिस्तान विमेंस टीम की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन रही। अगर शुरू से लें, हम वर्ल्ड कप से लें, वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से लें या वेस्ट इंडीज के विमेंस टीम का दौरा जो है वो उसकी बात कर लें, तो शुरू से ही पाकिस्तान विमेंस टीम जो है वो डाउन जा रही है इस साल में और पिछले एक साल की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही। और स्पेशली अगर वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम महज 1 मैच जीत सकी, जबकि उनमें बेशतर मैच ऐसे थे जो पाकिस्तान टीम अगर स्ट्रगल करती तो जीत सकती थी। और अगर असाब की बात की जाए तो पाकिस्तानी जो विमेंस क्रिकेटर्स हैं, ये चाहे इवन मेंस क्रिकेटर हैं, उनकी बात कर ली जाए तो उनके शायद जो मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो काम नहीं किया जाता, जो कि यकीनन इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम जाते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे या वेस्टर्न कंडीशंस जो है वहां पे जाके खेलने जाते हैं, इवन हमारी मेंस टीम तो कोई खातर खा परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान टीम वो नहीं दे पाती। और अगर डेविड हेम्प की बात कर ली जाए तो डेविड हेम्प को लेकर भी काफी तनकीद की जा रही है, हेड कोच है पाकिस्तान विमेंस टीम के, तो देखना यह है कि क्या उनको भी बदला जाता है। और बिस्मा मारूफ है, बिस्मा मारूफ पर भी काफी तनकीद हुई क्योंकि उनकी कैप्टनसी में जो है वो हमने देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका है। लेकिन जो पीसीबी है, पीसीबी ने बैक करते हुए बिस्मा मारूफ को उन्होंने आगे पूरा साल जो है जो अगले सीजन का ऐलान हुआ उसकी जो जो बागडोर है वो भी बिस्मा मारूफ को ही सौंप दी है, जबकि निदा डार जो है वो नायब कप्तान होंगी। तो अब देखना यह है कि मैनेजमेंट में कोई तब्दीली आती है, इवन हेड कोच को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या हेड कोच जो डेविड हेम्प हैं उनको तब्दील किया जाता है या वही रहेंगे और अपनी जो है खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। क्योंकि एक लॉबी है पाकिस्तान वेमेंस क्रिकेट टीम में, वो भी काफी जो है सोशल मीडिया पर आ रही है, उस पर बहस भी की जा रही है और वो काफी डिस्कस भी हो रही है, तो इस पर भी बात करेंगे। और अगर बात कर ली जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम जो है उनको आज 1 साल हो गया T20 जो रैंकिंग है बैटर्स की उनमें नंबर 1 बने हुए, और उनकी अगर एवरेज की बात कर ली जाए तो 59 की एवरेज से उन्होंने पिछले साल कोहली को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी और कोहली 6 साल तक पहले नंबर पर रहे, तो उनका जो रिकॉर्ड था उनको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने पहली पोजीशन हथियाई, पहली पोजीशन पर विराजमान हुए और उसके बाद अवार्ड्स पे अवार्ड्स नाम करते जा रहे हैं। और अगर ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ की बात कर ली जाए तो वो भी बाबर आजम गुज़िश्ता माह के रहे। और अगर बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो टेस्ट में भी 46 की औसत से जो है वो खेल रहे हैं, तो टेस्ट में भी नंबर 5 पे हैं, T20 में भी नंबर 5 पे हैं और वनडे में भी वो नंबर 1 पर हैं। तो बाबर आजम के जो परफॉर्मेंस है वो रिमार्केबल है और परफॉर्म करते जा रहे हैं, उनका बल्ला जो है वो भी रन उगल रहा है, तो होपफुली अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में जाके पाकिस्तान के लिए एक अच्छे जो है वो बैटर जो है वो साबित हो सकते हैं और अच्छा एक लेजेंड बनने के लिए, लेकिन उनको जो है वो अभी मजीद वक्त दरकार होगा। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ओलंपियन समीउल्लाह जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान हॉकी पे एक ब्रेक के बाद।